थे घूमने, तो हम लोग भी ऐसे पीछे कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग एंड हाय आराम। तो आज इन लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक सीरीज रेडी करनी है, विच इज़ टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन दिल्ली। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी, जस्ट बिकॉज बहुत से लोग दिल्ली में रह के भी उन लोगों को दिल्ली की चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि काफ़ी चीज़ें अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, एंड वो उसकी अलग पूरी सेपरेट वीडियो है, बट इट्स नाउ आई एम व्लॉगिंग हेयर, क्योंकि मेरा एक व्लॉग भी आने वाला है सेपरेट, बट टूरिस्ट अट्रैक्शन का पूरा एक वीडियो आएगा, वो अलग से होगा। एंड उसमें सिर्फ वो शायद बहुत छोटा सा होगा जिसमें लोग उसको अच्छे से देख भी सके और समझ सके। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन्स होंगी अबाउट हम लोकेशंस के हिसाब से कि कितना दूर है, कहाँ से ये पास पड़ेगा, इवन क्या उसके टिकट्स प्राइस हैं, अंदर हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके ड्रॉबैक्स और उसके सारी चीज़ें कि मतलब वहाँ पे हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो आज तो मैं अभी पूरी फैमिली के साथ विज़िट कर रही हूँ वहाँ पर, एंड वो बच्चे भी हैं तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड मुझको भी जब मैंने उसके बारे में देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, एंड इवन मैंने अभी तक देखा ही नहीं था वो यहाँ पे दिल्ली में। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोगों को भी अच्छे से पता चले, तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बने रहना। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग कि हम लोग कैसे गए एंड हाउ वाज आई एक्सपीरियंस, ठीक है? तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द व्लॉग। बाय बाय। हाय गाइस, होप आपने व्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लो, क्योंकि इसमें ही सारी डिटेल्स हैं। अब तो मौजी मौजी। बहुत अच्छा भाई, तुम्हारे पास ही आ गया था। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टो में, वो मैंने यहीं पे देखा है, चनक्यापुरी में भी माइट बी पॉसिबल, तो वो रेस्टोरेंट आज हम एक्सप्लोर करेंगे एंड उसका जो सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया वो, नॉट उसके एम्बियंस की वजह से पर उसके खाने की वजह से, मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी है यहाँ पे तीन मूर्ति के पास। तो अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ कैसा है, ठीक है? तो अभी मैं हमने ऑटो कर लिया, तो गाइज मेरे को इतनी प्यारी चीज़ याद आ गई है, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, मतलब इन लोग की एज में थे ना, तो जैसे मम्मी मौसी लोग सब जाते थे घूमने, तो हम लोग भी ऐसे पीछे बैठे रहते थे तीन चार लाइन में, मैं अफसू रजिया फयाज से बहुत सारे, मतलब जो बहुत बहुत लोग होते थे, सारे कजन्स या मौसी लोग जाते थे और पूरा ऑटो ऐसे भी रहते थे। तो इतना प्यारा मोमेंट मुझको याद आ गया है, हाय हाय, क्योंकि एक्चुअली जो जहाँ हमको रेस्टोरेंट में जाना है वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और सिर्फ मैं मम्मी भाभी हैं, तो यहाँ पे बस हमको इस वजह से इनको पीछे बिठाना पड़ा और इनको बहुत मज़ा आ रहा है पीछे। तो हमको भी बहुत मज़ा आता था, पर बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती थी जब ये पीछे का इंजन गर्म हो जाता था तो बैठ नहीं पाता था इंसान को यहाँ पे। तो ये गाइस अभी हम आधे से एक घंटे में हमें फिर से पहुँचने वाले, आधे से एक घंटे में नहीं सॉरी 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का मैं आपको अभी एक्सपीरियंस बताऊँगी कैसे रहता है, क्योंकि मैंने उसके खाने की बहुत तारीफ सुनी है। आई थिंक एमएस इतना अच्छा नहीं है बट वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, तो आज अभी हम वो एक्सप्लोर करेंगे, देन आपको मैं बताती हूँ। बाय बाय। यस, ये हम आसम हाउस पहुँचे एंड ये यहाँ पे गाइस, यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद हम अभी चलते हैं जल्दी से, ठीक है? चलो, आई थिंक एंट्री गेट ये है या वो है, वहाँ पे हम लोग गए तो वो उन्होंने बंद करा हुआ था, मे बी वहाँ पे कुछ ना कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है और कुछ रिनोवेशन समथिंग हो रही है। तो अभी हम दूसरे में आए, ठीक है, देख रहे हो आओ, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, अम्मी लोग आ रहे हैं पीछे से सवा। तो यस गाइस, हमारा प्लान बना था वहीं पे जहाँ हम गए थे, वहीं पे नियर बाय किसी रेस्टोरेंट में एक्सप्लोर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान कहीं और का बन गया, क्योंकि हजरत को कुछ अच्छा सा खाना था और वो हम लोगों ने हमको हमने बहुत सर्च किया पर वो बहुत दूर दूर था। अभी तो मैंने सोचा कि अभी पूरी फैमिली भी है तो यहीं पर सोच रहे थे वहीं पर ही चलते हैं डायरेक्ट, और वहाँ पर मम्मी को बहुत काम भी था, मतलब मेन काम वहीं पर था मम्मी को, तो हम डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। मैं वहाँ पहुँच के आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाऊंगी और जो हम लोग जो चीज़ ढूंढ रहे थे इतना टाइम से वो चीज़ भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी हम डायरेक्ट उस रेस्टोरेंट में चलते हैं एंड वहाँ पे आपसे बात करते हैं। बाय बाय।
आइडियाज़ गाइज, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स डाली है, पूरा मेन्यू प्रॉपर डाला है कि अगर आप यहाँ जाने की सोचो तो आप सोचोगे कि पता नहीं क्या क्या कितने प्राइस का होगा, तो इस वजह से मैंने पूरे मेन्यू में डाल दिया है कि क्या क्या प्राइस थे। एंड गाइज, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, बहुत अफोर्डेबल था और रेस्टोरेंट के हिसाब से, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसलिए मैंने हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। एंड अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ जाते हो तो उसमें भी इनके पास पूरा बजट है, ये था पूरा, तो आप चेक कर सकते हो। होप आपको ये पसंद आया होगा। गाइस, हम लोग वन बाय वन सब कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं अपनी प्लेट भी रेडी कर लेती हूँ। हजरत हाँ बैठा है, वो शायद अपनी सीट चेंज कर रहा है, ठीक है। हम लोग पहले मुगलाई टिक्का लेते हैं यहाँ पे, एक हम लोग रखना वन। तो हम तीनों चीज़ वन बाय वन ट्राई करेंगे। ये है इनके स्टार्टर्स, ट्राई कर रहे हैं हजरत और मैं, देखते हैं इसको कैसा टेस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद हमने वो मंदी रखी हुई है, वो भी हम ट्राई करेंगे। पहले हम ये करते हैं, रोटी किसमें खाएंगे ट्राई करते हैं। पहले हम इसके राइस ट्राई करेंगे कि इसके राइस कैसे। तो इन्होंने आई थिंक ये चटनी है सालन है, आई डोंट नो, तो पहले हम ये ट्राई करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये ना वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, जो इलायची होती है वो नहीं है, ये सम काइंड ऑफ कैश्यू वो है, किशमिश होते हैं ना, बेरीज है मे बी। इसको ट्राई करते हैं, आप देख सकते हो कितना जूसी है। एंड यस गाइज, ये था आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। एंड मंदी एक अरेबियन डिश है और इंडिया में बहुत जगह मिलती है, बट दिल्ली में बहुत कम जगह देखी है। तो आपको मैं सारी डिटेल्स रेस्टोरेंट की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अल्लाह।